हेजिटेशन, स्ट्रगल, फाइट, नेगेटिव कमेंट्स, हेटर्स, डीमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, बिजनेस स्ट्रेस, जॉब स्ट्रेस, लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, सोच, सपने, हिम्मत, ताकत, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, पेशेंस, इन सब के बाद होती है शुरुआत, और ये मेरी शुरुआत है। तो शुरुआत की थी एक वीडियो से और आज हम पहुंच चुके हैं अपने 100 वीडियो पे, यानी कि सेंचुरी हो गई आखिर। ये माइलस्टोन काफ़ी लोगों के लिए आसान होता है या वो मानते हैं कि कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं है ये, लेकिन अगर आपके वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़े जा रहे हैं और आप रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं तो आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपलोड नहीं कर पाते हैं वीडियो, आपके व्यूज़ भी नहीं आ रहे जितने आने चाहिए, कमेंट्स तो ठीक है अपने लोग जो करते हैं वही थे और सब्सक्राइबर ना के बराबर बढ़ रहे थे, तो ये जो माइलस्टोन होता है वो हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है मेरे लिए कि हमने मिलके 100 वीडियो का सफ़र पूरा किया। शुरुआत इस सफ़र की हुई थी उस पहले वीडियो से जो मैंने और दिव्यांश ने स्कूटी पर डिसाइड किया था कि चलो एक काम करते हैं, दमन जाके आते हैं और उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उस वीडियो को हम लोगों ने ऐसी रैंडमली शूट किया और फिर उसको एडिट करके अपलोड किया, तो उसमें मुझे लगता है एक वीक में कुछ 25 व्यू आए थे, 24 से 25 व्यू। यह उस टाइम अच्छा लगा था, लेकिन बाद में जब चेक किया तो पता चला कि उसमें से 13 व्यूज़ तो मेरे ही थे, जो मैं रोज़ चेक करता था कितने व्यूज़ बढ़े कितने व्यूज़ बढ़े, तो मेरे चेक करने की वजह से 13-14 व्यूज़ तो मेरे ही थे, यानी कि पब्लिक के सिर्फ 10 व्यू आए थे। उसके बाद आया सेकंड वीडियो ओम मंदिर, जो काफ़ी टाइम तक या अभी भी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में है, और उस वीडियो ने मतलब काफ़ी मोटिवेट किया क्योंकि मुझे लगता है कि वो जैसे इस वीडियो में 7 दिन में 25 व्यूज़ आए थे, उस वीडियो में एक घंटे के अंदर 100 व्यूज़ के ऊपर निकल गया था, और स्टार्टिंग में इतने व्यूज़ आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। वो टाइम पे दिव्यांश शूटिंग करता था, एडिटिंग करता था और मैं वीडियो बनाता था, बट हम दोनों का साथ 2 वीडियो तक ही रहा क्योंकि उसके बाद वो चला गया पुणे। तो अब आ गया जिम्मेदारी मुझ पे, मेरी वीडियो एडिटिंग भी मुझे ही करनी थी और शूटिंग भी मुझे करनी थी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, तो इसके लिए वहाँ से और सफ़र टफ हो गया। लेकिन उसके बाद फिर आया मिनी वाटरफॉल, जो कि मुझे लगता है कि मेरा फर्स्ट वीडियो ऐसा था जिसको मैंने शूट किया था, एडिट किया था, मतलब जो भी काम था उसमें, जो स्क्रिप्ट लिखी थी, एक फर्स्ट मेरा स्क्रिप्टेड वीडियो था वो, जिसका पूरा स्क्रिप्ट किया था हम लोग ने कि क्या क्या करना है, बाबू को कहाँ गिराना है, कैसे सीन क्रिएट करना है। तो वो वीडियो मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो रहा है, और उस वीडियो के बाद फिर मैं डिसाइड किया कि अब रुकना नहीं है। ये तो थी कहानी YouTube पे पहले वीडियो आने की, लेकिन असली कहानी तो थी YouTube चैनल चालू करने की। तो इसका आइडिया एक्चुअली क्या हुआ कि कोई हम इसकी शुरुआत हुई 2017 में, जब हमारे एक फ्रेंड दिलीप भाई की शादी में हम लोग गए थे राजस्थान, और मेरा कैसा था कि 2016-17 के आसपास मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव था, तो मैं कहीं भी जाता था तो वहाँ की फ़ोटो खींचिए स्टोरी डाल देता था, लाइक शेयर करता था, जो आजकल एक्चुअली हर जगह चल रहा है वो मैं 16-17 में करता था। तो काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि काम कर तू यूट्यूब चैनल चालू कर, या फिर मतलब लाइक वीडियोज़ बना वहाँ जाके और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर, तो मैंने इंस्टाग्राम पे इतना मज़ा नहीं आएगा, वो टाइम मुझे यूट्यूब के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, किसी को नहीं मालूम था ब्लॉगिंग एंड ऑल के बारे में। तब हम लोग एक फोर्ट पे गए, क्योंकि मैं तो क्या 15 सेकंड का स्टोरी बनाता था, तब मुन्ना भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि तू भी यूट्यूब चैनल चालू कर दे। तो मैं अपनी आवाज़ के लिए कॉन्फिडेंट नहीं था इतना, तो मैंने कहा कि अगर वीडियो में कहीं बोलना है तो कैसे बोलेंगे, तो बाला भाई बोले तू वीडियो बना लिया कर, मैं डबिंग कर दिया करूँगा। इस तरह से फिर आइडिया आया कि चलो ठीक है कुछ करते हैं। तो उसके बाद मेन बात थी नाम की, नाम क्या रखा जाए, क्योंकि सबसे पहले कोई काम शुरुआत करना है, कुछ करना है, तो नाम तो जरूरी था। तो मुन्ना भाई सजेस्ट किया कि मेरे चैनल का नाम राइड विद एम है, और मेरे माइंड में यही था कि मैं प्लेसेस एक्सप्लोर करूंगा या मे बी किसी एक चीज़ में लिमिटेड नहीं रहूंगा, क्योंकि वो बाइक राइडिंग करते थे, मैं इतना राइडिंग नहीं करता था, मैं अलग अलग जगहों पर जाके
वीडियो बनाता था, फोटो खींचता था, तो इसके लिए आइडिया आया कि क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए, एक्सप्लोर कर से नाम रखा जाए, इसलिए नाम रखा गया एक्सप्लोर विद संजू सिंह। तब उस कार में बैठे बैठे हम लोगों ने किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि आज ही 100 व्यू तक पहुंचेंगे हम लोग। बस आगे की कहानी वहाँ पे, और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स और जॉब, बहुत सी चीज़ों की वजह से वीडियो कभी भी रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर टाइम पे नहीं आए। और सबसे बड़ा इश्यू था मेरा आलस, और टाइम पे एडिट नहीं कर पाता था मैं। कितने वीडियो तो मैंने एक एक साल के बाद एडिट किए, जैसे अभी सबने ये वीडियो देखा होगा चिकन रेसिपी वाला 2021 में। ये वीडियो एक्चुअली शूट हुआ 2019 में, 2 साल के बाद ये वीडियो आया। इसका रीज़न नहीं था कि मैं भूल गया था या आलस था, इसका एक यही रीज़न था कि मुझे कुछ फुटेज मुझसे डिलीट हो गई थी, तो उसकी वजह से स्टोरी बन नहीं रही थी। और आपको भी पता है कि अगर 2019 में ये वीडियो बनाता मैं, तो इस तरह से नहीं बना पाता, बिकॉज लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अब मैं सिर्फ कोशिश कर रहा था बनाने की वीडियो, अब मैं सीखना शुरू कर दिया हूँ कि कुछ नया सीखना है, तो इस तरह से और भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। ये 100 वीडियो बस एक बहाना है कि अब असली वीडियो बना के दिखाना है। और मेरा हमेशा प्रायोरिटी रहा कि क्वालिटी वीडियो बनाना है, ये भी एक रीज़न रहा जिसकी वजह से टाइम पे वीडियो नहीं आए। क्योंकि आप अगर कुछ वीडियो बना के आपके वीडियो हिट हो जाए तो आपको खुशी मिलती है, नो डाउट, लेकिन असली स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचने की खुशी अलग ही होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिजर्व नहीं करते, आप सब डिजर्व करते हैं, जो आपको मिल रहा है आप डिजर्व करते हैं, इसलिए आपको मिला है। लेकिन जब स्ट्रगल करके ऊपर आ रहे हो, आप 400-500 व्यूज ही मिले आपको हर वीडियो पे, तो काफ़ी मुश्किल रहता है नेक्स्ट वीडियो बनाना, नेक्स्ट वीडियो शूट करना, क्योंकि आप खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, बाकी क्या करेंगे। बट उम्मीद करते हैं कि इस माइलस्टोन को पार करने के बाद मैं हर फ्राइडे को अपना एक वीडियो लाऊंगा। हो सकता है कि कुछ वीक्स नहीं आए, लेकिन पूरा ट्राई रहेगा, स्टार्ट ऐसे किया जाएगा कि हर फ्राइडे को वीडियो आए, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहे और वीडियो की क्वालिटी भी। तो आप सभी को थैंक यू जिसने इतना सपोर्ट किया और मुझे इतना मोटिवेट रखा। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बना के रखना। और अब नेक्स्ट मेरी सीरीज आने वाली है 7 एपिसोड की, तो रेडी रहिएगा। आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसी टॉपिक पे वो सीरीज रहेगी। तो अब मिलते हैं आगे के वीडियोस में, और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो शुरुआत की थी एक वीडियो से, और 100 पे पहुंचने के बाद अब रुकना नहीं है।